दोस्तों आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर कोई वेब सीरीज काफी चर्चा में है तो वो है एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही सीरीज आश्रम। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर प्रकाश छानी। रिलीज के 5 दिन के अंदर ही वेब सीरीज को 100 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि प्रकाश झा सामाजिक मुद्दों पर ही फिल्म बनाते हैं और इस बार भी उन्होंने वेब सीरीज बनाने के लिए सामाजिक मुद्दे को ही चुना है। इस सीरीज में बताया गया है कि ढोंगी बाबा, उसके साथी और बाबा के कुछ भक्त आस्था के नाम पर काले कारनामों को अंजाम देते हैं। इसे प्रकाश झा ने काफी अच्छे से पर्दे पर दिखाया है। सीरीज में काम करने वाले हर कलाकार ने भी अपने किरदार को शानदार तरीके से निभाया है, चाहे वो बॉबी देओल हो, अध्ययन सुमन हो या कोई और। सीरीज में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने वेब सीरीज में 4 चांद लगाए हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको आश्रम वेब सीरीज की एक्ट्रेस के बारे में खास बातें करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं प्रीति सूद की। प्रीति ने आश्रम में सनोवर का किरदार निभाया है। वेब सीरीज में प्रीति ने अपनी अदाकारी से सबको काफी इंप्रेस किया है। सीरीज में एक्ट्रेस ने एक विदेशी लड़की की भूमिका निभाई है जो कि आश्रम में बाबा से मिलने आती है। वहीं जब बाबा के पास ये खबर आती है कि पुलिस के बड़े अधिकारी उनके खिलाफ जांच कर रहे हैं तो बाबा उस पुलिस वाले को सनोवर के माध्यम से हनी ट्रैप करता है। बाबा सनोवर और पुलिस वाले का वीडियो रिकॉर्ड कर पुलिसकर्मी को ब्लैकमेल करता है। अब बात करते हैं त्रिदा चौधरी की। त्रिदा ने आश्रम में बबीता का किरदार निभाया है जो पहले प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी, लेकिन बाबा के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत आश्रम में उसका विवाह सती का किरदार निभा रहे किरदार से हो जाता है, जो वेब सीरीज में बाबा का भक्त बना होता है। वेब सीरीज के सीजन 1 में बबीता को सती के साथ इंटीमेट होते हुए और बोल्ड सीन करते हुए दिखाया गया है, जबकि सीरीज के दूसरे पार्ट के ट्रेलर में बबीता के बाबा के साथ भी इंटीमेट सीन दिखाए गए हैं। लिस्ट में अगला नाम आता है अनुप्रिया गोमिका का। अनुप्रिया ने आश्रम में एक डॉक्टर नताशा का किरदार निभाया है। सीरीज में डॉक्टर नताशा एक पुलिसकर्मी उजागर सिंह की मदद करती है और उसे प्यार भी करने लगती है और दोनों के बीच सीरीज में बोल्ड और इंटीमेट सीन्स दिखाए गए हैं। लिस्ट में अगला नाम है एक्ट्रेस अदिति पोहनकर का। अदिति ने आश्रम में लीड एक्ट्रेस और रेसलर पम्मी का किरदार निभाया है। भले ही उन्होंने आश्रम के पहले सीजन में बोल्ड सीन नहीं दिए हो, लेकिन बाबा की नजर हमेशा ही अदिति पर बनी रहती है और आश्रम के दूसरे सीजन में बाबा और पम्मी के बीच भी बोल्ड सीन देखने को मिल सकते हैं। लिस्ट में अगला नाम है एक्ट्रेस अनुरिता झा का। अनुरिता ने आश्रम में कविता का किरदार निभाया है। उनके काम को लोगों ने काफी पसंद किया है। आश्रम सीरीज में कविता को टॉर्चर करने के कई सारे सीन सिखाए गए हैं, हालांकि सीरीज में उनके बोल्ड सीन्स नहीं है। लिस्ट में अगला नाम आता है एक्ट्रेस परिणीता सेठ का। परिणीता ने आश्रम में साध्वी माता का किरदार निभाया है। साध्वी माता सीरीज में बाबा की परम भक्त हैं और परम दासी बनी हैं, जो बाबा के कहने पर हर काम करती है। इसके अलावा बाबा की आज्ञा के अनुसार वो आश्रम की लड़कियों पर अत्याचार भी करती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।